الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا، محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں ہم نے اس سے پہلے امام عالی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہداء کربلا کو ٹریبیوٹ پیش کیا تھا، ان کی حیات، خدمات اور قربانی پر گفتگو کی تھی۔ سانحہ کربلا، اس میں 72 شہداء کی قربانیوں نے قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا۔ ہمارے ہاں اکثر آپ نے سنا ہوگا خطبہ سے بھی اور مختلف
आवाजों के अंदर भी सानेहाई करबला को तो बयान किया जाता है, करबला में शहदा की कुर्बानी को तो बयान किया जाता है, लेकिन करबला के अंदर खानदान मुस्तफ़ा की जो ख्वातीन और जो नन्हे बच्चे बच गए थे उनको उसके बाद किन मराहिल से गुजरना पड़ा, इसके अंदर अहले सियर ने ऐसी दिलसोज दास्तानें लिखी हैं कि उनको बंदे को पढ़ते हुए भी हौसले की ज़रूरत है, बयान करना तो दूर की बात है। लेकिन उस मार्के से बच जाने वालों में इमाम आली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मंजले बेटे हज़रत अली बिन हुसैन अलमारूफ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिनसे आगे नस्ल रसूल चली, हुसैनी सैयद जितने हैं वो आगे उनसे चले हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्दों में ख़ानदान मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले वो वाहिद शख्स थे कि जिन्होंने सानिया करबला को अपनी आँखों से देखा था, उसका एक एक खूनी मंज़र अपनी आँखों से देखा था और इस पूरे सानेहे को देखने के बाद, उस पूरे जुल्म को अपनी आंखों से देखने के बाद, उस पूरी बर्बरियत को अपनी आंखों से देखने के बाद, उस खूनी दास्तान को अपनी आंखों से देखने के बाद, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कैसी ज़िंदगी गुजारी उसको हमारे अहले सियर ने लिखा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को देखने के बाद, उनकी ज़िंदगी को पढ़ने के बाद और उनकी ज़िंदगी को समझने के बाद अल्लाह ताला का ये जो इरशाद है कि वबश्शिर अस्साबिरीन के सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है, और इसी सूरत के अंदर अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन के अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को देखकर इन आयात का मफहूम इंसान को समझ में आ जाता है कि अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ कैसे साथ है। आज रूए ज़मीन के ऊपर आपको देखें, ज़मीन की चारों जिहतें ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ, जिसको हम उर्दू में मशरिक मगरिब शमाल और जनूब कहते हैं, आज दुनिया के चारों कोनों में आले रसूल आपको मिलेगी, औलादे रसूल आपको मिलेगी। ये मुआयत इलाही है, ये वबश्शिर अस्साबिरीन है, और क़यामत तक के लिए दीन मुस्तफ़ा पर कायम रहने का जज्बा, क़यामत तक के लिए सुन्नत रसूल को अपनाने का जो सलीका और तरीका है, ये हमें एक तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और शहदाए करबला और ख़ानदान रसूल की कुर्बानियाँ ये सबक सिखा गई, और जो जिंदा बचे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जो है वो एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार के हमें यह बता दिया कि वबश्शिरिल मुमिनीन की जो खुशखबरी है वो अल्लाह ताला ने ऐसे ही जो है वो पाकान उम्मत के लिए और ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला ने
और कायनात के लिए ज़र्बुल मिसल बनाया है। इमाम ज़ैनुल्ला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सिस्टर थी हमशीरा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिस पूरे करबलाई मंजर को इन्होंने बयान किया है, हज़रत ज़ैनब ने करबलाई मंजर को जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है उसको उन्होंने बयान किया है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सब्र का यह आलम था, उनसे किसी ने अर्ज किया कि हुजूर आपने करबला का पूरा मंजर अपनी आंखों के सामने देखा है, आपसे कोई चीज पोशीदा नहीं है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा आपको कि आप ने कभी खुद उस मंजर को बयान किया हो। तो अहले सीयत ने लिखा है अल्लामा इब्ने असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने, हाफिज़ इब्ने कसीर ने अलबदाया व निहाया के अंदर और तारीख तबरी के अंदर, और इसी तरीके से इमाम इब्ने असाकर ने तारीख दमिश्क के अंदर ये बात लिखी है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक आदत होती थी कि वो किसी से कोई बात नहीं करते थे, अलबत्ता ये था कि हर कोई लम्हा ऐसा नहीं था कि आपकी आंखों से आंसू न चलते, आंसू इस तरह बहते थे ये पता चलता था कि जिस तरह कोई पीछे पानी का चश्मा है और जैसे पहाड़ों के अंदर से पानी का चश्मा पीछे पहाड़ होता है और पानी पहाड़ से निकलता हुआ नजर आता है, इस तरीके से और कोई किसी के साथ ना वो बात करते थे ना किसी के आगे कोई दास्तान गम बयान करते थे, सिर्फ ये होता था कि उनकी आंखों से आंसू चलते थे। तो किसी ने एक दफा पूछा कि हुजूर हर वक्त आपकी आंखों से आंसू चलते रहते हैं, कोई एक लम्हा भी हमने इन आंसुओं को रोकते हुए नहीं देखा। तो आपने सिर्फ इतना कह दिया कि जिसने अपने खानदान के और जिसने नबी पाक की उम्मत के 72 अफराद को अपने सामने ज़बह होते हुए देखा हो उसकी आंख कैसे खुश्क हो सकती है। तो किसी ने अर्ज किया कि हुजूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि हुजूर क्या बात है, सारे लोग इस करबला के मंजर पर गुफ्तगू भी करते हैं, इसको बयान भी करते हैं, लेकिन कभी हमने आपकी जबान से नहीं सुना। तो आपने कहा कि मेरे अल्लाह का फरमान है कि इन अल्लाह मासाबरीन, तो मुझे ये खदशा है कि कहीं मैं करबला के उस खूनी मंजर को अगर बयान कर दूं तो कहीं सबर का दामन मेरे हाथ से छूट जाए तो मैं इस अल्लाह ताला की इस माइयत से महरूम ना हो जाऊं, अल्लाह ताला के इस कुर्ब से महरूम ना हो जाऊं। और फिर किसी ने कहा कि आपकी आंखों से हर वक्त आंसू चलते रहते हैं, तो आपने फरमाया कि मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि जिस आंख ने अपने खानदान के 20 अफराद और नबी पाक की उम्मत के 72 अफराद को अपने सामने दीन पर कुर्बान और ज़बह होते हुए देखा हो वो आंख कैसे खुश्क हो सकती है। तो बस मैं अपने आप को सब्र के दामन के साथ वाबस्ता किए हुए हूँ। इसी तरीके से जो हजरत ज़ैनब हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की बहन थी वो इस करबला के मंजर को बयान करती है, एक बात की। दूसरा ये कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के जो 3 बेटे थे, अब आप देखें इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौलाए कायनात ताजदार हलहता जनाब मुश्किल पेशा मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो मोहब्बत का ताल्लुक था वो एक अजीब किस्म का था। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने अपने 3 बेटों का नाम अली रखा, 3 बेटों का नाम क्या किया, और 2 अली यके बाद दीगरे कुर्बान कर दिए और 3रे अली से आगे नस्ले रसूल चली। और आपके जो बड़े बेटे थे उनका नाम था अली अकबर, क्या नाम था, अली अकबर, इसका माना है बड़े अली, अली अकबर। और जो दरमियाने बेटे थे जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, ये इस कदर अल्लाह की इबादत करते थे, इस कदर अल्लाह की रियाजत करते थे कि कोई लम्हा ऐसा नहीं था कि ये खुदा की इबादत और उसके जिक्र में मसरूफ ना हो,
जब सजदा करते थे तो सजदों में घंटे गुजर जाते थे, क्याम करते थे तो क्याम में घंटे गुजर जाते थे, रुकू करते थे तो रुकू में घंटे गुजर जाते थे। हर लम्हा खुदा की इबादत के अंदर, हत्ता कि यहां तक के अहले सीयत ने लिखा है कि एक दफा आधी रात को लोगों ने देखा कि खाना काबा के पर्दों के साथ चिमट कर कोई शख्स जो है वो तन्हाई में अपने रब की इबादत में मसरूफ है। तो कहते हैं जब करीब गए तो पता चला वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहते हैं, ज़ैनुल आबिदीन का माना है कि अल्लाह की इबादत करने वालों की जीनत, अल्लाह की इबादत करने वालों का फख्र, अल्लाह की इबादत करने वालों की का जो है वो एक निशान। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने जो है वो आपको ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहते हैं कि आप हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ होते थे। आपका जो नाम था वो था अली औसत। क्या नाम था? बड़े बेटे का नाम इमाम हुसैन का, बड़े बेटे का नाम अली अकबर, बड़ा अली। छोटे उससे छोटे बेटे का नाम अली औसत, दरमियाना अली, और छह माह का वो अली असगर, सबसे छोटा अली, उनको अली असगर कहते थे जो छह माह के अंदर जिनकी कुर्बानी हुई। तो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने अपने तीनों बेटों का नाम अली रखा था। आप मुझे बताएं कि जिसका नाम भी अली हो और जिसके अंदर खून भी अली का हो तो उसकी उन्होंने दीन को किस तरीके से बचाया। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये मौजज़ा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से रुखसत होने से पहले, ज़ाहरी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को नसीहत की थी कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम इनसे वाबस्ता रहोगे तो तुम्हारी कामयाबी है। हुज़ूर ने फरमाया कि एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी आल है, मेरी औलाद मेरी आल से वाबस्ता रहना। और जिसने भी आले रसूल से बेवफाई की, सब कुछ होने के बावजूद उसकी उसके नसीब में सिवाय जिल्लत और रसवाई के हमें कुछ न देखा, वो कूफी जिन्होंने हजारों की तादाद में इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को खत लिखे और खत लिखने के बाद बुलाया कि हम यजीद के जुल्म और सितम से तंग आ चुके हैं, उसकी लादीनी और बेदीनी से तंग आ चुके हैं, लिहाजा आप आए और हम आपकी बैत करें। तो जब वो इमाम हुसैन वहाँ पहुँचे तो ये सब अपने अहद से फिर गए, सब ने बेवफाई की। इमाम हुसैन ने तो शहादत कबूल कर ली। अब जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो बाद में फिर इन्होंने क्या किया, रोना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया। फिर हाय हुसैन की जनाब इन्होंने सदाएं शुरू कर दी। तो बुलाया पहले, फिर बेवफाई की और फिर रोना और पीटना शुरू कर दिया। तो इसलिए इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह ताला ने आप पे आपने जो है वो जिस कुर्बानी के साथ दीन बचाया, तो ये एक बड़ी लंबी दास्तान है। ये मैं तौहीद इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि आपको इस पूरे खानदान का पस मंजर और उसकी कुर्बानियाँ समझ में आ जाए। फिर इसी तरीके से हजरत ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन थी, उन्होंने हजरत अली अकबर जो करबला में नौजवानी के अंदर शहीद हुए, जिस वक्त हजरत अली अकबर शहीद हुए तो रवायात के अंदर आया कि उनकी उम्र मुबारक 25 से 28 साल बाद, रवायात में लिखी कितनी 25 से 28 साल आपकी उम्र थी जो उस जवानी की उम्र में आपने जो है वो। और हजरत अली अकबर के बारे में ये मशहूर है कि वो शबीह मुस्तफ़ा थे। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अली औसत, इनके बारे में ये मशहूर है कि वो शबीह मौलाए कायनात, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे में चेहराए अली नजर आता था और इमाम अली अकबर के चेहरे में चेहराए मुस्तफ़ा नजर आता था। यहाँ तक अहले सीयत ने लिखा है कि वो हजरत इमाम अली अकबर का चेहरा नबी पाक के चेहरे से इस कदर मुशाबे था, इस कदर मुशाबे था कि वो सहाबा इकराम जो शब रोज हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते थे तो वो आते और वो इमाम हुसैन का दरवाजा खटखटाते, तो इमाम हुसैन पूछते कि भाई क्यों आए हो, तो उन्होंने उनमें से बाद सहाबा अर्ज करते कि हुजूर हमें सरकारे दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद सता रही थी, हम इसलिए आए कि अली अकबर को देखकर चेहराए रसूल को ताज़ा कर, हमें अली अकबर के चेहरे में चेहराए रसूल नजर आता है और हमें अली असगर के चेहरे में चेहराए मौलाए कायनात नजर आता है।
हजरत अली अकबर जो है जो कर्बला के अंदर शहीद हुए वो शबीहे मुस्तफा थे, और हजरत अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कर्बला से बच गए थे वो उनका जो चेहरा था वो हजरत मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा के मुशाबे था। फिर इसी तरीके से हजरत ज़ैनब बयान करती हैं कि जिस वक्त हजरत अली अकबर को ने देखा ना कि जब शहादत के लिए जो है वो मुसलसल कुर्बानियाँ हो रही हैं, तो आपने देखा कि इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर को नहीं कहा कि बेटा जाओ लड़ने के लिए। हजरत अली अकबर ने जब देखा कि इमाम हुसैन अपनी जीरा को सीधा कर रहे हैं तो आप एकदम आए और आके इमाम हुसैन के सामने खड़े हो गए और आपने अर्ज की कि बाबा जान अब मेरी कुर्बानी का वक्त हो गया है लिहाजा आप मुझे इजाजत दें। तो हजरत इमाम अली अकबर के बारे में अहले सियत ने अल्लामा इब्ने असाकिर ने लिखा कि हजरत इमाम अली अकबर को हजरत इमाम हुसैन की जो बहन थी हजरत ज़ैनब उन्होंने पाला था, उनकी परवरिश हजरत ज़ैनब ने की थी और इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर को हजरत ज़ैनब के हवाले किया हुआ। तो जब हजरत अली अकबर ने शहादत के लिए इजाजत मांगी तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा कि बेटा तुम्हें तो ज़ैनब ने पाला है, तुम्हारी माँ ज़ैनब है, तुम जाओ जाकर खैमे में ज़ैनब से इजाज़त मांगो, अगर वो तुम्हें इजाज़त देती हैं तो तुम चले जाओ। तो हजरत ज़ैनब के पास गए और जैसे ही सामने आए और कहा कि फूफी जान मेरी शहादत का वक्त हो गया है, बाबा जान ने मुझे कहा कि आपने मुझे पाला है और लिहाजा आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खुदा के हवाले करती हूँ। फिर इमाम हुसैन के पास आए, आपने तैयार किया, सीने से लगाया, कुर्बानी के लिए भेज दिया, फिर अपनी कुर्बानी पेश कर दी। हजरत ज़ैनब ने इमाम हुसैन की जो बहन थी उन्होंने कुर्बानी इमाम आली मकाम को किस तरह बयान किया है, आप फरमाती हैं कि पहले तो आवाज़ें आती रहीं इमाम हुसैन की, अल्लाह अकबर की आवाज़ें आती रहीं, कभी इमाम हुसैन नन्हे अली असगर को कंधों पर उठा कर लाते, फिर जब इमाम अली अकबर शहीद हुए तो आपने जाकर उनको कंधे के ऊपर उठा कर लाया और लाकर खैमे के सामने रखा। कहती हैं कि इस तरह लड़ते रहे, जब 71 अफराद कुर्बान हो गए तो थोड़ी देर के लिए हजरत ज़ैनब कहती है कि मैंने आवाज़ नहीं सुनी अपने भाई की, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की आवाज़ मैंने नहीं सुनी। तो अब कहती हैं कि मैंने जब खैमे से जान कर देखा तो इमाम अली मुकाम भी मर्तबाए शहादत को पहुँच चुके थे। कहती हैं कि जब मैंने देखा कि बिल्कुल सन्नाटा कर्बला में छा गया। फिर कहती हैं कि क्योंकि हम खानदान रसूल हरम रसूल से ताल्लुक रखने वाली बेटियां थी तो इसलिए हम पर्दे के अंदर थी, खैमे के अंदर थी, मैं खैमे से बाहर निकली, मैंने हौसला किया तो मैंने जब देखा तो कर्बला के अंदर लाशें पड़े हुए थे, 72 लाशें पड़े हुए थे और उनमें एक जिस्म था जो सिर्फ जिस्म था, उसके साथ सर नहीं था, और वह जिस्म इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का था और उनका पूरा जो कपड़े थे वो खून आलूद थे। तो उस वक्त हजरत ज़ैनब कहती हैं कि मैंने जब नज़र उठाकर देखा तो मैंने देखा कि ये उस 72 शहीदों के लाशें पड़े हैं और सामने रसूलुल्लाह खड़े हैं। कहते आलम बेदारी में मैंने नबी पाक की ज़ियारत की, हजरत ज़ैनब कहती हैं। कहती हैं जैसे ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा ना हजरत ज़ैनब को, तो इमाम इब्ने असाकिर ने लिखा है कि हजरत ज़ैनब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए आंसू बहाते हुए फरमाया वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा हाजा हुसैन बिल अराय, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ए मोहम्मद अरबी ए मेरे नाना जान, हाजा हुसैन बिल अराय, ये आपका हुसैन है जिसने आपके दीन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर दी है, आप इसे अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। और उस मंजर को हजरत ज़ैनब इस दुख भरे अंदाज में रसूलुल्लाह से बातें कर रही है, आलम बेदारी में नबी पाक का दीदार हो रहा है और हुजूर अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके आपसे बातें कर रही हैं कि हाज़ा हुसैन बिन आराम, ये आपका हुसैन है, आप इसको अपनी आंखों से देख लीजिए। मुज़म्मिल तैमा कहती है कि या रसूलल्लाह आपके इस हुसैन ने आज अपने ही खून से सीजा हुआ शहादत का हार अपने गले में पहना हुआ है, जो अपना सर कटाकर इसने शहादत का हार दीन आपके दीन को बचाने के लिए पहना है, आप अपनी आंखों से
अपने हुसैन को देख लीजिए और इसकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर दीजिए। ये हजरत जैनब ने इस खुतबे को, हजरत जैनब की आंखों देखे उस मंजर को शायद अल्लामा इब्ने असाकर ने तारीख दमिश्क के अंदर नकल फरमाया। फिर कहती है वा मोहम्मदा। फिर कहती है कि फिर हजरत हुसैन की तरफ आप देखती और कहती या रसूल अल्लाह हाजा हुसैन बिन आरा मुकत्तला आदा। या रसूल अल्लाह आप और से तो देखें जरा, ये आपका हुसैन है, जालिमों ने इन आपके हुसैन का सर कलम कर दिया है, जालिमों ने आपके हुसैन को कत्ल कर दिया है, जालिमों ने आपके हुसैन का सर तन से जदा कर दिया है, आप अपने अपनी आंखों से अपने हुसैन को देख लीजिए। और उधर हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे, उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा कहती हैं कि एक दफा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे एक शीशी दी और उस शीशी में मट्टी पड़ी हुई थी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ सलमा इसको संभाल के रखना, ये जिब्रील ये मट्टी मेरे पास लेकर आए हैं और जिब्रील ने मुझे कहा है कि मेरा नवासा हुसैन को मेरी उम्मत के शकी उल कर्ब लोग शहीद कर देंगे और ये इस मकाम, जिस मकाम पर इमाम हुसैन को शहीद किया गया, ये उस मकाम की मट्टी है, जब ये मट्टी खून आलूद हो जाएगी, सुर्ख हो जाएगी, तो आप समझ लेना आपका हुसैन शहीद हो गया। अब देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी और अजवाज थी, उम्महातुल मोमिनीन कसीर तादाद में थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो शीशी ही जो हजरत जिब्रील ने आपको ला कर दी वो हजरत उम्मे सलमा ही को क्यों दी, किसी और वजह को क्यों ना दी। इसके बारे में हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो इल्मे गैब अता फरमाया था, हुजूर का इसका इल्म था कि जब हुसैन शहीद होंगे तो उस वक्त जिंदा उम्मे सलमा ही होगी, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत उम्मे सलमा को दी। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि जब हर तरफ चीखों पुकार की आवाज आई और सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई कि हुजूर ने सलातो व सलाम के पूरे खानदान को करबला में शहीद कर दिया गया, आप कहती हैं कि मैं दौड़ती हुई गई, मैंने आलमारी खोली और मैंने वो शीशी जो रसूलुल्लाह ने मुझे दी थी तो मैंने वो, उसके अंदर मट्टी थी, कहती हैं मैंने वो शीशी उठाकर देखी तो वो मट्टी नहीं थी, वो खून से भरी हुई थी। और इधर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक बिखरे हुए हैं और आपके जिस्म के ऊपर गर्द पड़ी हुई है और परेशानी है चेहरे के ऊपर, तो मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह क्या बात है, तो हुजूर ने कहते हैं कि आपके हाथ में एक शीशी है और उसके बोतल है, उसके अंदर आप खून पड़ा हुआ है, तो कहते हैं मुझे हुजूर ने ख्वाब में फरमाया कि मेरे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया है, उनका खून जमीन पर गिरने से पहले मैं इस शीशी में जमा कर रहा था। तो हजरत जैनब कहती है कि मैंने उस मंजर को जब अपनी आंखों से देखा कि इमाम हुसैन का सर तन से धड़ है और सर मौजूद नहीं है, कहती है कि मैंने सामने देखा कि रसूलुल्लाह खड़े हैं और आलम बेदारी में मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया, तो अर्ज किया कि हाजा हुसैन बिल आरा, या रसूलुल्लाह ये हुसैन है, इसे आप अपनी नजरों से खुद देख लीजिए, मुकत्तला आता, आपके इन दुश्मनों ने आपके हुसैन को कत्ल कर दिया, इसका सर तन से जदा कर दिया है, मजम में लुत्ते माँ, आज आपके हुसैन ने आपके दीन पर कुर्बान होकर अपने ही खून का हार अपने गले में पहना। और फिर कहती हैं कि फिर मैंने जब देखा पीछे मुड़कर तो मैंने देखा कि जिस खेमे के अंदर ख्वातीन थी उन जालिमों ने उन खेमों को आग लगाई और नबी पाक के कि वो नन्नी नन्नी बेटियां नबी के खानदान की वो खेमे से आग से बचती हुई खेमे के बाहर खड़ी थी। हजरत जैनब कहती कि एक तरफ मैं खेमे की तरफ देखती और खेमे में जलते हुए खेमों को देखती, दूसरी तरफ मैं 72 शहादा की लाशों को देखती, तीसरी तरफ मैं इमाम आली मकाम, ये पूरा वो मंजर हजरत जैनब करबला का खुद बयान कर रही है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। कहती है कि एक तरफ मैं देखती कि करबला के खेमों को जला दिया गया, दूसरी तरफ मैं देखती कि इमाम हुसैन का धड़ मौजूद है, सर मौजूद नहीं है, तीसरी तरफ मैं देखती कि खानदान रसूल के 20 अफराद की लाशें मेरे सामने पड़ी हुई हैं, तीसरी तरफ मैं देखती कि नबी पाक की उम्मत के 71
सैकड़ शहादा दीन के ऊपर कुर्बान हो गई हैं और एक नहती खातून बीच में खड़ी है और कहती है कि उस लम्हे मेरा तो सब्र तो जवाब दे देता, मेरा दिल तो फट जाता, लेकिन मुझे उस लम्हे मैंने देखा कि सामने रसूलुल्लाह खड़े आलम बेदारी में हुजूर का दीदार करते हुए। फिर कहती मैं रसूलुल्लाह से बातें करती, क्या बातें करती, या रसूलुल्लाह ये आपके हुसैन हैं, आप इनको देख लीजिए, दुश्मनों ने आपके हुसैन को कत्ल कर दिया है, दुश्मनों ने आपके हुसैन का सर कलम कर दिया है, दुश्मनों ने आज आपके हुसैन ने आपके दीन की खातर अपने गले में क्या कर दिया जो है वो अपने ही खून से सीजा हुआ हार पहन लिया। और कहती है तीसरी तरफ मैं जब देखती कि खेमे भी जल गए और खानदान नबूवत की जो खवातीन थी वो बाहर खड़ी हैं, तो आप कहती हैं कि मैंने अर्ज किया कि बनातों का सबाया, या रसूल अल्लाह अपनी बेटियों को भी तो देखें, इन जालिमों ने आपकी बेटियों को कैद कर लिया, जंजीरों से बांध लिया है। कहते हैं वह जुर्रियतों का मुकत्तला, और आपकी औलाद को इन्होंने कत्ल कर दिया। ये हजरत ज़ैनब कर्बला का मंजर पेश कर दिया। फिर कहती है कि फिर मैं जब ये बातें कर रही थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से, तो कहते हैं यजीदी फौज के वो लोग आए और उन्होंने मुझे खींचा और कहा कि चलो, तो कहती हैं कि मैंने उनसे कहा कि इतना तो मुझे मौका दो कि मैं इन शहदा की तदफीन का इंतजाम कर सकूँ, तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने मुझे खींचा और जब मैं करीब पहुंची तो मैंने देखा कि खानदान नबूवत के जो लोग बचे थे उन सबको उन्होंने रस्सियों से जंजीरों से बांधा हुआ है। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनका नाम इमाम अली औसत था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो उन्होंने जो है वो जंजीरों से बांधा हुआ है। तो आपको बुखार था शदीद और जिस वजह से उस वक्त आपकी उम्र 22 साल थी, जिस वजह से आप बचे हैं, लेकिन उन्होंने जंजीरों से बांधा हुआ था। पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ी रहमतुल्लाह अलैह उस मंजर का मंजर कशी करते कहते हैं कि नसीर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, नसीर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु का सब्र ज़बर मिसल था, आपका इसमें गरामी अली था, तो इमाम हुसैन के तीनों बेटों का नाम अली था। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपको सैयद साजिदीन कहते थे कि आप साजिदीन के सरदार हैं, जब सजदे में जाते तो घंटा घंटा दो दो घंटे सजदे में रहते और जब सजदे से सर उठाते तो मसल्ला आपके आंसुओं से गीला हो जाता, ये आपका इसलिए आपको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। आपको अमीन उम्मत भी कहते हैं कि आप उम्मत के अमीन थे, करबला के सारे राजों को अपने सीने में रखा। और लोग कहते हैं कि आप करबला की दास्तानें लोग बयान करते हैं तो आप क्यों नहीं बयान करते, तो उन लोगों को बस एक ही जवाब देते कि अल्लाह का फरमान है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अल्लाह की मुआयत से महरूम हो जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि वबशरिस साबिरीन अल्लाह ने फरमाया है कि सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सब्र जो है वो साथ छोड़ जाए। फिर आप फरमाते हैं कि आपका सिलसिला नसब जो है वो अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, और ये आपका सिलसिला नसब है। और आपकी वालदा का नाम जो है शहर बानो था, ये यज़दगर्द जो बादशाह था ईरान का, जब हजरत फारूक आज़म ने ईरान को फतह किया तो उस बादशाह की शहजादी से उन्होंने हजरत इमाम हुसैन का निकाह कराया, उससे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। इसी तरीके से आप हजरत अली मुर्तज़ा करम अल्लाह वजहुल करीम की इमाम ज़ैनुल आबिदीन शबी थे। इसी तरीके से 2 साल तक आपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत अली मुर्तज़ा की आगोश में आपकी गोद में परवरिश पाई है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जब उनको हम देखते तो हम उनको कहते मरहबा या हबीब इब्ने हबीब या अली इब्ने अली। आप कहते हैं कि हम उनको जब देखते तो उनके चेहरे में हमें मौलाए कायनात हैदर कर्रार का चेहरा नजर आता था, तो हम जब उनको देखते तो हजरत इब्ने अब्बास कहते मरहबा या अली, ए अली तुम्हें मुबारक हो, हमें उनके चेहरे में चेहरा है। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं कि मैंने उनसे ज्यादा मुत्तकी कोई शख्स नहीं देखा। अब ये सहाबा इकराम और ताबईन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उस तक़वे और उस तहारत को बयान फरमा रहे हैं। इसी तरीके से इमाम हाजिम का कौन है, आप फरमाते हैं कि मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बड़ा फकीह कोई नहीं देखा, आपसे बड़ा अहले इल्म कोई नहीं देखा, आप दुनिया की लज्जतों को आपने तर्क कर दिया था। फिर कहते हैं कि मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बड़ा सखी कोई नहीं देखा, फरमाते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब करबला से फिर आपको कैद करके इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया
और फिर इब्ने ज़ियाद के दरबार से फिर आपको यजीद के पास ले जाया गया, फिर यजीद के दरबार में जो मनाजिर गुजरे हैं इस वक्त टाइम नहीं है कि उसको बयान किया जाए, फिर वहां से जब आप मदीना तैयबा पहुंचे तो मदीना तैयबा जब अहले मदीना को पता चला तो फिर अहले मदीना ने जो है वो एक अजीब और गरीब मदीना पाक के अंदर कैफियत थी, कहते हैं कि मदीने की जमीन इस तरह हिल रही थी, गम की वजह से मदीने की जमीन हिल रही थी। फिर फरमाते हैं कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत बड़े क्या कर के सखी थे, पूरी जितना आपके पास माल आता वो रातों को खुफिया तौर पर उनको सदका करते थे, हत्ता कि आटे की बोरियां उठा उठाकर गुराबा जरूरतमंदों के अंदर जाकर खुद कंधे पर उठाकर उनके घरों में देते थे। कहते हैं कि अच्छा इसका किसी को पता नहीं था, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ तो जब आपको गुस्ल देने लगे तो उन्होंने देखा कि आपकी कंधे के ऊपर स्याह निशान पड़े हुए हैं, आपके कंधे के ऊपर से जिल्द फटी हुई है, तो पता चला कि ये क्या है, तो किसी ने उनको अर्ज किया कि ये खुफिया तौर पर हर रोज रात को आटे अनाज की बोरियां उठाकर 100 ग्रामों के अंदर रात को 100 बोरी खुद कंधे पर उठाकर ले जाते थे, ये बोरियां आटे की और अनाज की बोरियां उठा उठाकर उनका कंधे के ऊपर निशानात पड़ चुके थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 1000 रकात रोज की नमाज पढ़ते थे, इसलिए आपका लकब सज्जाद कहा गया है। आप दिन को रोजा रखते और शाम को एक लुकमे के साथ सिर्फ क्या करते, रोजे को इफ्तार करते, ये आपके तकवे और तहारत का आलम था। फिर अल्लाह ताला ने आपके से जो है ये नस्ल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चलाया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो जो है वो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया कि लोगों की नस्ल उनके सुलब से चलती है, मर्दों के सुलब से चलती है। सरकार ने फरमाया कि मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी, तो गोया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये खुशखबरी देना कि मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी, तो ये खुशखबरी उलमा और मुहदिसीन ने लिखा कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के लिए थी, क्योंकि करबला में तो खानदान रसूल के बाकी सारे शहीद हो चुके थे, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से फिर आगे क्या है नस्ले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चली। इसलिए आपको नवीद रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो खुशखबरी भी कहते थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैदाइश से पहले उनकी खुशखबरी दे दी थी। खशियत इलाही का सफीना आपको कहा जाता था। फिर इसी तरीके से हज के लिए जब आप जाते तो लोग आपने एक दफ़ा एहराम बांधा और एहराम बांधने के बाद तलबिया बुलंद आवाज से नहीं कहा, तो लोगों ने कहा हुज़ूर बुलंद आवाज से तलबिया पढ़े, तो कहने लगे जी कि मैं अगर बुलंद आवाज से तलबिया कहूँगा तो अगर अल्लाह की तरफ से आवाज़ आए कि ला लब्बैक का तेरी हाजिरी कबूल नहीं तो मैं तो कैसे उसको बर्दाश्त करूँ। तो लोगों ने कहा कि हुजूर ये हज में ज़रूरी है, क्या करें। फिर आपने कहते कि एक दफ़ा कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो चीख मारी, बेहोश हो गए, ऊँटनी से नीचे गिर गए। ये आपकी खशियत इलाही और खौफ खुदा का आलम था। ये इजमालन मैंने इसलिए जिक्र किया कि हमने पूरे करबला के मंजर को बयान किया, इमाम हुसैन को उनके फजाइल शहदाए करबला के और करबला के मैदान से बचने वाले हजरत इमाम अली असगर और इमाम अली औसत और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तज़किरा करके हम ताकि शफात के मुस्तहिक़ हो सकें। अल्लाह ताला जज़ा